हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और चलिए आज आपके साथ शुरू करते हैं लिटिल एंटीमन का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस, मैंने स्ट्रेंज इंसिडेंट के दो पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, आर शेयर्ड ओमेगा का भी मैंने नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो उसे भी ज़रूर सुनिए। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। लिटिल लैंड टीमन, हमारा प्यारा क्यूट सा वांगची सुबह उठता है और उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। वे वशन और उसने काफ़ी सारे रोमांस किया हुआ था और उन्होंने ना जाने कितना ज़्यादा, मतलब पैशनेट, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रोमांस किया था, जिसके बाद नेक्स्ट डे उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे बाइट मार्क्स होते हैं। वे वशन बिल्कुल एक डॉगी की तरह से बहुत सारी जगह बाइट करता है, लेकिन वो प्यार वाली बाइट थी, कोई बहुत तेज़ वाली बाइट नहीं थी। यहाँ पर वो बेचारा उठता है, वेवशन उसे फिर भी अपने सीने से लगा लेता है और कहता है अभी मत जाओ ना। यहाँ पर वांगजी कहता है क्यों? भीम कहता है नहीं, हम साथ नहाएंगे आज। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे डर लग रहा है तुम फिर से रोमांस करोगे, तुमने मेरी पूरी कमर तोड़ दी। भीम कहता है नहीं करूँगा ना। वांगजी कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, क्या पता तुम फिर से रोमांस लग जाओ। मुझे नहीं करना रोमांस। भीम कहता है उफ़ो कहाँ ना नहीं करूँगा। यहाँ पर वो वांगची को गोद में उठा के लेके जाता है और दोनों अच्छे से बाथटब में बैठते हैं और नहाते हैं। यहाँ पर वांगची जान जान के भीम के ऊपर पानी गिरा रहा था, भीम भी यहाँ पर जानबूझकर वांगची के ऊपर पानी गिराने लगता है। वो बहुत सारे मार्क्स उसकी बॉडी पर पड़े हुए थे, एक दूसरे को अच्छे से क्लीन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भीम कहता है तुम्हें पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है तुम्हारी बॉडी पर? वांगची कहता है क्या? भीम कहता है मेरे बाइट मार्क्स तुम्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, और इससे पता चलता है कि तुम एक मार्क्ड ओमेगा हो। यहाँ पर वांगजी, जो कि ये बात सुनकर उसकी चीक्स रेड हो गए थे, वो कहता है शेमलेस भीम, तुम एक नंबर के शेमलेस हो, सच में मुझे यकीन नहीं आता तुम जैसे पर्वर्ट से मैंने प्यार किया। भीम कहता है अब तो प्यार भी हो गया, मार्क्ड भी हो गए और बहुत जल्दी बेबी भी हो जाएंगे। भीम जैसे ही ये लवांगजी के कानों में कहता है ना, लवांगची को एक पेट में ना अजीब सी गुदगुदी सी होने लग गई थी। भीम जब भी उसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता था ना, लवांगची की सांसें उसकी सांसों में ही थम जाती थी और वो मन में सोचता था कि उसका ये जो हस्बैंड है ना, ये कितना बड़ा पर्वर्ट है, हमेशा उसे फ्लर्ट करता है, प्यार करता है, लेकिन भीम सिर्फ उसका है और भीम पे सिर्फ उसका अधिकार है। ये बात भी वांगजी बहुत अच्छे से जानता था। वांगजी को ये चीज़ें करनी बहुत पसंद थी, वांगजी को ये प्यार करना बहुत पसंद था और वांगजी को भीम को चीज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ पर वो लोग नहाते हैं और उसके बाद आगे निकल पड़ते हैं। यहाँ पर वांगजी जो था वो आज आराम से, जैसे ही वो अपने अंकल और ब्रदर से मिलता है, वो देखते हैं कि उसके अंकल और ब्रदर ने एक फ्रूट बास्केट तैयार की हुई है। वांगजी जो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अंकल यानी कि युनमक में जाकर रह रहा था, अंकल जियांग के यहाँ, तो वो अपने ब्रदर से कहता है ये आप किसके लिए बास्केट तैयार कर रहे हैं? वो लोग कहते हैं तुम भूल गए वांगजी, आज हमारी मदर की, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। यहाँ पर वांगजी ये बात सुनते ही उसका फेस थोड़ा सा लटक जाता है। भीम भी पीछे पीछे आ रहा था और वो वांगजी से कहता है क्या हुआ? वांगजी कहता है कुछ नहीं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आज हमारी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। भीम कहता है तो तुम्हें भी क्या अपनी मदर के लिए कोई डिश तैयार करनी है? चलो मैं हेल्प करता हूँ। वांगजी और भीम यहाँ मिलकर वांगजी को जो श्रद्धांजलि अपनी मदर को देनी थी उसके लिए डिश तैयार करते हैं। और यहाँ पर भीम देख रहा था वांगजी कितना लीस्ट इंटरेस्टेड है और कितना ज़्यादा उसे सैड फेस लेकर वो वहाँ बैठा हुआ है, तो वो वांगजी को चेयर अप करने के लिए उसे जानबूझकर गुदगुदी करने लगता है। और फिर वो लोग खाना बनाकर यहाँ पर वांगजी की जो मॉम थी उनकी जो यहाँ पर ग्रेव थी वहाँ जाते हैं। वांगजी को वो लोग आराम से एक एक करके वो लोग उसकी मदर को खाना वाना देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पर ऑफर करते हैं वाइन को। और उसके बाद वांगजी की टर्न आती है। वांगजी अपनी मदर की ग्रेव पे पहले तो माफ़ी मांगता है कि वो इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकता है, क्योंकि उसे बहुत टाइम से भीम के साथ रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग से, क्योंकि वो बहुत छोटी सी उम्र में ही बाहर चला गया था, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग से उतर जाती थी और वो काफ़ी टाइम से यहाँ ग्रेव पे भी नहीं आया था। यहाँ पर उसे बहुत हर्ट होता है, वो अपनी मॉम को खाना ऑफर करके वाइन ऑफर करके सैड फेस लेके वापस आ रहा होता है। तभी भीम ये चीज़ नोटिस करता है और वो वांगजी से कहता है तुम सैड क्यों हो? भीम देखता है कि वांगजी की आंखें लाल हो रही हैं। भीम यहाँ पर वांगजी से पूछता है क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कहा है क्या? वांगजी कहता है तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी भूल गया, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? भीम मैं अपनी मदर की चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ?
यहाँ पर भींग कहता है, वांग जी कोई बात नहीं, ह्यूमंस कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं है क्या? देखो ना, मैं भी चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं भी अपनी मदर और फादर की डेथ एनिवर्सरी एटलीस्ट तुम्हें याद है, मुझे तो वो भी याद नहीं कि कब होती है। यहाँ पर वांग जी जो था वो चुपचाप बैठा होता है और कहता है, इस बारे में मजाक नहीं, मुझे मजाक नहीं करता। बिंग देखता है कि वांग जी बहुत सैड है, वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मेरी मदर जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरे बाल बनाया करती थी, मेरे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए लाया करती थी, पर अब मेरे लिए कोई ये सब नहीं करता। वांग जी को सैड देख के विंग को भी बहुत फील होता है, क्योंकि सबकी माएँ सबके लिए बहुत कुछ करती हैं। वो वांग जी से कहता है, कैसे बाल बनाती थी वो तुम्हारे? मैं वैसे ही बाल बनाऊँगा। और विंग यहाँ पर वांग जी को गोद में उठाता है और वापस से अपने जिंगशे ले आता है। वो कहता है, बताओ मुझे कैसे बाल बनाती थी। वो यहाँ पर वांग जी के बाल बनाने लगता है, उसने बहुत ही बुरे बाल बनाए थे, लेकिन वांग जी हंस रहा था उसे देख के। यहाँ पर विंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना के लेके आऊँगा। विंग यहाँ से फटाफट से बहुत सारे अच्छे अच्छे कुक को पकड़ कर यहाँ पर वांग जी के लिए उसकी फेवरेट डिशे बना रहा था, जहाँ पर बहुत सारे डिशेस उसने वांग जी के लिए बनाई होती हैं। और वांग जी बहुत खुश होता है कि वेवुशन उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, और वो यहाँ पर बहुत सारे चार बाउल के अंदर वांग जी के लिए सूप, नूडल्स, सब्जियाँ और ना जाने क्या क्या बनाकर लेके जाता है। वांग जी को खुशबू से ही भूख लग रही थी, और जैसे ही वो यहाँ पर चॉपस्टिक उठाता है खाने के लिए, वांग जी जब टेस्ट करता है तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वाद की तो नहीं थी, पर वांग जी को इन चीज़ों में विंग का काफ़ी अच्छा एफर्ट दिख रहा था। वो स्माइल करता है, विंग कहता है, क्या हुआ, अच्छी बनी है क्या? वांग जी कहता है, बहुत अच्छी, हालांकि वो डिशेस बहुत अच्छी नहीं बनी थी, इवन अच्छी भी नहीं बनी थी, लेकिन विंग का जो एफर्ट था ना पहली बार वांग जी के लिए, वांग जी शॉक्ड होता है कि विंग ने उसके लिए खाने के लिए बनाया है, वो बिल्कुल भी बुराई नहीं करता, उल्टा खा लेता है। विंग कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं दोबारा बनाऊंगा। यहाँ पर वांग जी का मुंह बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, जैसे किसी ने उसके मुंह में लाल मिर्ची डाल दी हो, और वो कहता है, नहीं नहीं दोबारा मत बनाना, मैं ज़्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं ही बनाया करूँगा, पर फर्स्ट अटैम्प्ट में तुमने काफ़ी अच्छा किया, मुझे लगा था तुम बहुत बुरा खाना बनाओगे। विंग कहता है, तुम मेरे स्किल्स पर डाउट कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे स्किल्स पर बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया शेफ़ बन सकता हूँ, एंड तुम्हें मुझे चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, वरना देखना मैं तुम्हें एक दिन खाना बनाने में हरा दूंगा। यहाँ पर वांग जी थोड़ा सा खांसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि विंग यहाँ पर बहुत अपनी बढ़ाइयाँ ही मार रहा है, जबकि विंग ने इतना अच्छा खाना बनाया नहीं था। लेकिन वांग जी फिर से सैड हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो रहे हो? वांग जी कहता है, बस मुझे मदर की याद आ रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे पैम्पर और प्यार मदर ही किया करती थी। विंग कहता है, तो कल रात मैंने प्यार नहीं किया, पैम्पर नहीं किया, बताओ ऐसी क्या चीज़ थी जो मैंने छोड़ दी हो? वांग जी यहाँ पर विंग को हक करके कहता है, पर मदर तो मदर होती है ना। विंग कहता है, ठीक है एक दिन के लिए मैं तुम्हारी मदर बन जाता हूँ, क्या मैं उनकी ड्रेस पहनकर तुम्हारे आगे पीछे घूम सकता हूँ? वांग जी यहाँ पर विंग के चीक्स खींचता है और कहता है, क्या है, क्यों टीक्स कर रहे हो? विंग कहता है, मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, इसलिए बस पंगे ले रहा हूँ। वो वांग जी को यहाँ पर फिर से अपनी पद्दी उठाता है और कहता है, चलो मैं आज तुम्हें ऐसे ही बाहर घुमाऊंगा। वांग जी जो शर्मा रहा था, लेकिन विंग जानबूझकर उसे अपनी पद्दी उठाता है और वांग जी को ऐसे ही बाहर घुमाने ले जाता है। सारे लोग वांग जी को देखकर हंस रहे थे। एक तो वांग जी का हेयर स्टाइल विंग ने बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा बनाया हुआ था, ऊपर से वांग जी बहुत क्यूट सा प्यारा सा बेबी लग रहा था, जो कि विंग की पद्दी यानी कि पीछे कमर पे चढ़ा हुआ आराम से बच्चों की तरह वो उसे घुमाता है, कहता है, कहाँ जाना है? वांग जी जहाँ उसे बोलता विंग उसे वहीं ले जाता। यहाँ पर वांग जी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि विंग उसे इतना ज़्यादा पैम्पर किया करता था, इतना प्यार किया करता था और ऐसे लेके जा रहा था। यहाँ पर शिचन कहते हैं, वैसे हमारे पूरे सेट में कभी किसी ने ऐसे मनमानी नहीं की, पर वांग जी तो विंग के साथ पूरी तरीके से मनमानी करता है, उसे जो चाहिए वो विंग से करवा ही लेता है। यहाँ पर अंकल चरण बहुत खुश होते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है ये दोनों अपना जीवन इस तरह से साथ बिता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और देखो किस तरह से यहाँ पूरे के पूरे क्लाउड रेसेस में घूम रहे हैं। यहाँ पर शिचन कहते हैं, मतलब मैं भी अपनी ओमेगा ला के ऐसे घूम सकता हूँ? तो चिरन अंकल गुस्से में कहते हैं, सोचना भी मत, ये प्रिविलेज सिर्फ मेरे वांग जी को मिली हुई है, क्योंकि मेरा वांग जी मेरा फेवरेट है। यहाँ पर शिचन कहते हैं, अंकल ये तो गलत बात है ना, आप बायस्ड हो रहे हैं वांग जी को लेकर।
वो कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, वो मेरा नेफ्यू है और वो एक ओमेगा है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे क्या लगती है? चिजन कहते हैं, क्या? यही बात कि वांगजी एक दिन यह कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाएगा और डीमन वर्ल्ड को हमेशा के लिए छोड़ देगा। मैं तो चाहता हूँ हमेशा से जो क्योस है वो बना रहे और वहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहें, उसके बाद मेरा वांगजी एटलीस्ट मेरे पास तो रहेगा। यहाँ पर चिजन कहते हैं, अंकल चिरन आप बहुत ज़्यादा मीन हो गए हैं। अंकल चिरन कहते हैं, वांगजी को अपने पास रखने के लिए अगर मुझे थोड़ा मीन भी बनना पड़े तो आई डोंट माइंड। ये वो सिर्फ बात मजाक में कह रहे थे, उनका ऐसा कोई भी मानना नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो वांगजी को खुद से दूर जाने के ख्याल से भी डरते थे, क्योंकि उनकी जान वांगजी था और वांगजी की जान जो है वो अब विंग बन चुका था। उन्हें लगता था कि अगर वांगजी उनसे दूर चला जाए फिर से तो शायद वो जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वांगजी उनकी जान है और वांगजी जितना चुलबुला है ना, जितनी मस्ती करता है, ऑब्वियस ही बात है वांगजी उनका दिल पूरे क्लाउड रेसिस में लगा के रखता है। यहाँ वांगजी जो है वो विंग के साथ आराम से जाता है और यहाँ पर वो विंग को कहता है कि वो उसे ऐसे पद्दी उठाकर माउंटेन चढ़े। विंग जिस जो कि पहले तो पति के प्यार में बिल्कुल पागल हुआ ओमेगा को उठाकर वो चलने लगता है और उसके बाद वो थोड़ी देर में ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि पहाड़ी पर इतने बड़े इतने गोलगप्पू से वांगजी को लेकर चलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो वांगजी से कहता है, कल से तुम्हारी डाइटिंग शुरू करवाऊंगा, तुम बहुत मोटे हो गए हो। वांगजी विंग के सिर पर मारते हुए कहते हैं, किसे कहा तुमने मोटा, मैं बिल्कुल मोटा नहीं हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। यहाँ पर विंग कहता है, जो इंसान तुम्हें पद्दी उठा रहा है उससे पूछो कि तुम मोटे हो या नहीं। वांगजी कहता है, चुप करो, मुझे और ऊपर लेके जाओ, मुझे ना पेड़ों पे चल के बैठना है। यहाँ पर विंग बेचारा उसे आधे रास्ते तो लेके आता है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो वांगजी को पद्दी से उतार देता है और कहता है, हाय मैं थक गया। वांगजी उससे जानबूझकर कहने लगता है, नहीं मुझे और ऊपर जाना है, बट विंग मना कर देता है, नहीं मेरे अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं, अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो खुद भाग कर चले जाओ, मेरे अंदर तो वापस जिंक्षी जाने की भी स्ट्रेंथ नहीं, हे भगवान मैं वापस कैसे जाऊँगा। यहाँ पर मुंह बनाते हुए हमारा वांगजी बैठ जाता है और कहता है, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विंग कहता है, कितना प्यार करूँ, कल रात मैंने सबूत दिया तो सही, बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर वांगजी कहता है, नहीं करते। विंग जो है वो वांगजी के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और कहता है, करूँ प्यार? वांगजी कहता है, नहीं यहाँ कोई देख लेगा। विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कहा है ना मैं प्यार नहीं करता, अब तुम्हें बताता हूँ प्यार कैसे कहते हैं। और वो यहाँ पर जानबूझ के वांगजी को किस्सियाँ करने लगता है, वो वांगजी को जानबूझ कर डीप रोमांटिक किस करने लगता है और वांगजी यहाँ पर विंग को खुद से दूर करता है। विंग कहता है, क्यों, अभी तो तक तो तुम कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब क्या हुआ, अब क्यों भाग रहे हो दूर? वांगजी कहता है, मैं वो मतलब नहीं कह रहा था। विंग कह रहा था, वो हो या ये हो या वो हो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुमने कहा है ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्यार कैसे कहते हैं। वो यहाँ पर वांगजी को जानबूझकर और तेज से चिपट जाता है। वांगजी जिसकी कमर विंग ने पिछली रात बहुत अच्छे तरीके से तोड़ रखी थी, वो बार बार कहता है, नहीं मेरी कमर दुख जाएगी। विंग कहता है, टूटने दो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कह रहे हो ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, रुको आई विल प्रूव यू। और यहाँ पर वो जानबूझकर वांगजी के साथ और भी ज़्यादा मस्ती करने लगता है। बेचारों के आधे कपड़े अब खुल चुके थे और यहाँ वांगजी जोर जोर से हाँफ रहा था। विंग से कहता है, शेमलेस कहीं के? विंग कहता है, ओह मैं शेमलेस, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ अब तुम मुझे बताओगे कि शेमलेस कौन है और कौन नहीं, खुद देखो अपनी हालत देखो, तुम मुझे चैलेंज करते हो, तुम मुझे सीड्यूस करते हो, और कितनी गलत बात है लंजा, तुम चीज़ों से मुकर जाते हो। लंजा कहता है, मैं बिल्कुल नहीं मुकरा, इस बार मेरा वो मीनिंग नहीं था। विंग कहता है, फिर डोंट चैलेंज मी, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है वो तुम्हें प्रूव करके दिखा देगा अगर तुम चैलेंज करोगे तो। वांगजी यहाँ पर अपने कपड़ों को ठीक करता है और कहता है, शेमलेस कहीं के, बदतमीज, गंदे, छी मुझसे बात मत करना। विंग कहता है, देख लो तुम मेरे बिना रह पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम नहीं रह पाओगे तो मैं फिर से रोमांस शुरू कर दूंगा। यहाँ पर वांगजी विंग से दूर भाग जाता है और विंग मुस्कुरा रहा होता है। विंग जानता है ये क्यूट से लिटिल ओमेगा जो उसकी नाक में दम करता है, इसकी नाक में कैसे दम किया जाए। यहाँ पर हमारा वांगजी जानबूझकर विंग को तंग किया करता था और जो हमारा विंग था ना वो जानबूझकर वांगजी से पंगे लिया करता था, क्योंकि उसे और भी मज़ा आता था जब वांगजी उसे बोले कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और विंग को अपना प्यार प्रूव करने को जब मिलता था ना तो उसे और मज़ा आता था वांगजी को तड़पाने में, उससे और मस्ती करने में।
ये दोनों का कपल बहुत परफेक्ट था। और यहाँ पर इन्हें देख देख कर बेचारे ब्रदर शिजन को भी ऐसा लगता था कि उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर को ले आना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें भी ऑब्वियसली बात है वो एडल्ट हैं, उन्हें भी कमी खलने लगी थी, उन्हें भी चीज़ें ऐसे होने लगी थी कि नहीं यार मेरे पास भी एक पार्टनर होनी चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूँ, जिसके साथ मैं रह सकूँ। क्योंकि उनका छोटा ये ओमेगा भाई इतना शैतान है, वीन की नाक में इतना दम करता है, लेकिन उसे वीन इतना प्यार करता है, इतना पैम्पर करता है, उसे अपने साथ अपने सीने से लगा के रखता है। तो यहाँ पर अब शिजन बेचारों का भी मन किया करता था कि उनके ब्रदर की तरह उन्हें भी एक पार्टनर मिले जो उन्हें अपने प्यार से बांध कर रखे, जो उनकी परवाह करे, उनके साथ रहे। वो अपने अंकल से कहते हैं, अंकल मुझे लगता है कि मेरी भी शादी आप कर ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंकल चिरन कहते हैं, क्यों? वो कहते हैं, अब तन्हा वक्त काटे नहीं करता। तो यहाँ पर अंकल चिरन उन्हें मारते हुए कहते हैं, शेमलेस कहीं के, तुम भी भांग जी जैसे हो जाओ। और ये बताओ, तुमने किसी लड़की को पसंद भी किया है या नहीं? यहाँ पर शिजन कहते हैं, पसंद लड़की मैंने तो अभी तक किसी को पसंद नहीं किया। यहाँ पर वो कहते हैं, पसंद नहीं किया तो पसंद कर लो ताकि मैं तुम्हारी शादी करा सकूँ, मेरे बस की तो नहीं है किसी लड़की को देखने जाने की। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं। तो शिजन कहते हैं, कोई ना कोई तो डीमन होगी ना, कोई अच्छी सी डीमन आप ही बता दीजिए, मैं उसे चूज़ कर लूँगा। इवन आप ही अगर किसी अपने रिलेटिव से मेरा रिश्ता जोड़ेंगे तो मुझे मंजूर होगा। यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं, देखो मैंने तो कभी किसी लड़की की तरफ देखा नहीं, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं रही, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनके बच्चों की मोस्टली शादी हो गई है या फिर वो उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, तुम्हें आसपास जाना चाहिए, चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहिए, और क्या पता तुम्हें कोई आसपास एक अच्छी सी ओमेगा मिल जाए। अंकल चिरन की ये बातें सुनकर शिजन अब भावुक हो गए थे। अब उनको सच में ऐसा लग रहा था, यार सिंगल लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, अब मुझे किसी से प्यार करना है, घर बसाना है, वांगची की तरह मुझे भी किसी के नखरे उठाने हैं जैसे वांगची यहाँ पर नखरे करता है और विंग उसके नखरे उठाता है। अब यहाँ पर उन्हें भी अब महसूस हो रहा था कि जल्द से जल्द इस लेंस एक्ट की फ़ौरन लाने का उनका भी वक्त आ गया है। देखते हैं गाइस लेंस एक्ट की फ़ौरन कौन आएगी, कैसी आएगी, और मुझे ज़रूर आप थोड़ा सा हिंट दीजिए कि शिजन की पेयरिंग हम किसके साथ, जंगछा को छोड़कर किसके साथ ऐसी की जाए जो कि लेंस फ़ौरन जो है वो परफेक्ट लगे, परफेक्ट ओमेगा जैसे लगे। देखते हैं अपने आगे आने वाले एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।